हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इंस्टीट्यूट पर। यहाँ पर मैं फिजिक्स की चैप्टर्स की क्लासेस शुरू करने से पहले फिजिक्स का थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का थोड़ा जो बेसिक है वो आप लोग देख लेंगे। बेसिक फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ, ऊपर लिखा हुआ है व्युत्पन्न राशियों के मात्रक। तो देखेंगे आप व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, मतलब जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं उनके मात्रक क्या होते हैं और इनका प्रतीक क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पहली राशि हमारे वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसका सिंबल होता है ये ओम का सिंबल है। दूसरी हमारी राशि है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, सिंबल एन होता है। अगली राशि है वैद्युत धारिता, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया फैराड, फैराड को हम यहाँ पर एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगली राशि है हमारी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, टेस्ला यहाँ पर हमने इसको टी से प्रदर्शित किया। अगली राशि हमारी शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है वाट, वाट को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर क्या होता है वोल्ट, वोल्ट को हम वी से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा अगली राशि है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी एच। वैद्युत आवेश इसका मात्रक तो आप सभी को मालूम ही होना चाहिए, ये होता है कूलाम, ये सी है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, वेबर को हम यहाँ पर डब्ल्यू बी से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा डब्ल्यू बी हमारा है वेबर, वेबर इसका मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का। विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस कॉपी, इसको अपनी कॉपी के सबसे फ्रंट पेज पर नोट करना जहाँ पर आप कॉपी नोट्स के बनाएं। और एक बात और कि अगर आपको नोट्स के साथ चलना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इस पर आपको फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ की पूरी नोट्स मिलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ भौतिक नेता। यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिक नियतांकों के मान, जो फिजिक्स है तो फिजिक्स में भौतिक नियतांक तो आपको मालूम ही होने चाहिए क्योंकि इनका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पहला लिखा हुआ है प्रकाश की चाल, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ये सी लिखा हुआ है, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्लांक नियतांक क्या होता है, एच से प्रदर्शित करते हैं, 6.6×10⁻³⁴ जूल सेकेंड। मूल आवेश हमारा जो होता है ई, ये क्या होता है 1.6×10⁻¹ कूलम। इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि एम ई क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1×10⁻³⁻³ किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये। इसके बाद आप अगला देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने लिखा है -1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। देखिए एक बता दें आपको हम एक बात कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश में नेगेटिव चार्ज बट प्रोटॉन के आवेश में पॉजिटिव चार्ज का उपयोग किया, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि कारण क्या है, रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4πε₀, इसको हम कहते हैं कूलाम बल नियतांक, ये कितना होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये कूलाम बल नियतांक है, जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। अगली हमारी जो है भौतिक नियतांक वो है निर्वात की वैद्युतशीलता, ये क्या होती है एप्सिलॉन नॉट 8.85×10⁻¹² फैराड मीटर। निर्वात की चुंबकशीलता होती है न्यू नॉट, ये होती है 4π×10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। आपको पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, ज़्यादातर हम 3.14 इसका यूज़ करते हैं। अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या इसका पता होना चाहिए आपको, अवोगाद्रो संख्या होती है एन, 6.023×10³⁰ प्रति ग्राम परमाणु। आगे यहाँ पर भी देख लेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6×10⁻¹ जूल, और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यानी कि एक एम ई वी होता है 1.6×10⁻¹³ जूल, क्योंकि एक मेगा, मेगा में होता है 10⁶ जूल। एक बी ई वी ये होता है 1.6×10⁻¹० जूल यानी कि इसमें से 3 घातें कम कर दी गई। एक ए एम यू यानी कि ए एम यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसके लास्ट चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे, ये होता है 1.66×10⁻²⁷ किलोग्राम या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो ये होता है 1.672 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.674 × 10⁻²। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको आप कॉपी के सबसे पहले पेज पर नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।